हाय एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपको बायोटिक के बायो हनी वाटर क्लेरिफाइंग टोनर के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम टोनर क्यों लगाएं। तो हमारे टोनर लगाने के 5 बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला बेनिफिट टोनर का ये है कि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और पीएच बैलेंस को बनाए रखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम टोनर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे फेस की सीबम, डर्ट और एक्सेस ऑयल को क्लियर करता है, जिससे हमारी ब्रेकआउट्स और एक्ने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारी स्किन को टोन्ड, टाइटन एंड ब्राइटन करता है। चौथा बेनिफिट है कि जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको ये मिनिमाइज करता है। और पांचवा बेनिफिट ये है फेस टोनर का कि जब हम अपने फेस को क्लींज करते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, या क्लींजिंग मिल्क से, या अन्य कोई क्लींजर या मेकअप रिमूवर से जब हम अपने फेस को साफ करते हैं तो हमारे रोम छिद्र और पोर खुल जाते हैं। तो उसके बाद जब हम टोनर को अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं या पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये उनको बंद करने का काम करता है। इसके अलावा समर में चाहे हमारी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, हमें टोनर का जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समर सीजन में और रेनी सीजन में हमारी स्किन में कुछ ना कुछ ऑयल रहता ही है। तो इसको हम जब अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो हमें रिफ्रेशमेंट देता है। इस समर सीजन में मैंने बायोटिक के इस हनी वाटर को टोनर के रूप में सिलेक्ट किया। ये है बायोटिक का बायो हनी वाटर क्लेरिफाइंग टोनर विद हिमालयन वाटर फॉर ऑल स्किन टाइप। ये बॉटल 120 ml की है और इसका प्राइस करीब 149 है, तो ये मुझे बहुत अफोर्डेबल भी लगा। एक्चुअली इसका रेट 150 रुपये है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और ये आराम से 2 से 3 महीने चल जाएगा। इसकी एक्सपायरी 3 साल की है, तो आप इसे 3 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। आप इसको अमेजन, नाइका आदि ऑनलाइन शॉप से भी मंगवा सकते हैं, पर मैंने जिस स्टोर से इसको खरीदा तो उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट में ये दिया। इसका कलर कुछ पिंक जैसा है और ये वाटर जैसा ही है। इसकी पीछे की पैकिंग में इसके कंटेंट्स के बारे में लिखा है, यानी इसमें क्या क्या पड़ा है, मंजूफल गर्ल्स और घृत कुमारी, मधु, मंजिष्ठा, गाजर सीड्स, गुलाब पेटल्स, जापा फ्लावर्स। तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें लिखा है कि ये एक लाइटनिंग लोशन है और ये हमारे फेस के कॉम्प्लेक्शन को रिफ्रेशेस, टोन्स एंड ब्राइटन करता है और इसके पीएच बैलेंस को परफेक्ट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगा। मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ। मैं इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम अपने फेस को वॉश करने के बाद अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे दिन में कभी भी ऑयली लगता है फेस तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, तो इससे मुझे कूलिंग इफेक्ट मिलता है और मेरे फेस में सूथनेस लगती है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लगाने से जो थोड़ी बहुत एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, तो वो भी रिड्यूस होने लगी, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और समर में मेरा टी जोन कुछ ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो इसको यूज करने से मेरी एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मेरे जो वाइट हेड्स निकलते थे, ब्रेकआउट होते थे, वो सारी प्रॉब्लम से मुझे आराम मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और टोनर के बारे में मुझे जो जो बातें पता थी वो मैंने आपसे शेयर करी। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।